ये देखिए, आज हम बनाने जा रहे हैं ये टेस्टी मिक्स वेजिटेबल कोफ्ता। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। इसमें हमने कई सारी सब्जियां डाली हैं, तो न्यूट्रिशियस भी होता है ये, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए आज हम मिक्स वेजिटेबल कोफ्ता बनाना आपको सिखाते हैं, हमारे साथ बने रहिएगा। लेट्स स्टार्ट। तो इसमें हम सबसे पहले ये 5 तरह की वेजिटेबल्स ले रहे हैं। आप चाहें तो दूसरी वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं अपनी चॉइस के अनुसार। हमने यहाँ पे फूल गोभी लिया है, इसको बिल्कुल महीन महीन कट करना है। अगर सब्जी महीन नहीं कटी होगी तो फिर आपको कोफ्ता बनाते टाइम प्रॉब्लम आएगी। तो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना है कि सब्जी बहुत फाइनली कटी हुई हो। फूल गोभी डाल दिया, ये ग्रेटेड गाजर लिया है, इसको डाल दीजिए। बंद गोभी, शिमला मिर्च, इसमें आप बीन्स का, चॉप्ड कॉर्न्स का, इन सारी चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने स्प्रिंग अनियन लिया है महीन कटा हुआ। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम थोड़ा सा बेसन लेंगे और बेसन से इसको बाइंडिंग करेंगे। जितने बेसन की ज़रूरत है बाइंडिंग के लिए उतना ही आप डालिएगा। मसाले में थोड़ा सा नमक जाएगा, थोड़ी सी लाल मिर्च, मिर्च भी आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। अगर आपको तीखा चाहिए तो आप थोड़ी ज़्यादा डाल दीजिए, और अगर आपको कम तीखा चाहिए तो कम डालिए। देखिए सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं इसमें। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसका एक बैटर फॉर्म बना लेंगे। अब देखिए, ये हमने सब्जियों और बेसन का ये बैटर बना लिया है। इसमें ज़रूरत के हिसाब से जितना पानी डालना पड़े आप डाल दीजिएगा। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से रहेगी कि जब आप इसको चाहें तो इस तरह से पकौड़ी की तरह बनाकर और ऑयल में हम फ्राई कर सकें। बहुत हार्ड नहीं करिएगा, क्योंकि अगर आप बहुत हार्ड कर देते हैं तो फिर हमारे कोफ्ते हार्ड बनते हैं। तो थोड़ा सॉफ्ट ही रखिएगा बैटर। अब हमने अपने विदर पैन में ऑयल चढ़ा दिया है, और इस बीच में जब तक कि ऑयल गर्म हो रहा है, हमने ये 4 टमाटर और ये हरी मिर्च और अदरक ले लिए हैं। हम ये हरी मिर्च थोड़ी छोटी है इसलिए मैंने ज़्यादा ली है, आप अपने टेस्ट के अनुसार लीजिएगा। इन सारी तीनों चीज़ों का हम अब पेस्ट बना लेंगे। अगर आप प्याज पसंद करते हैं और आपने अगर बैटर में, बेसन वाले बैटर में अगर आपने अनियन नहीं डाला है तो आप यहाँ पे अनियन भी ऐड कर सकते हैं और गार्लिक भी। अब देखिए, ग्राइंडर में हमने सारी चीज़ें डाल दी हैं। थोड़ा सा जब भी आप टमाटर काट के डालें तो थोड़ा ध्यान रखिए कि बीज उसमें मत डालिए, क्योंकि जो बीज होता है ये हमें नुकसान करता है, इससे स्टोन वगैरह होने की रिस्क होती है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि बीज आप हटा दें। अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। टोमेटो का ये पेस्ट अब रेडी हो चुका है, हमने इसको निकाल के एक बोल में रख लिया है। और ये जो हमारा बैटर था बेसन वाला, अब इसकी हम पकौड़ी टाइप की बनाएंगे कोफ्ता। ऑयल इधर गर्म हो चुका है, पहले अपनी फ्लेम को हाई रखिएगा, बाद में इसको मीडियम फ्लेम पे बनाइएगा। अब देखिए, ये इस तरह से कोफ्ते बन चुके हैं, इनको अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। सारे कोफ्ते हम इसी तरह फ्राई करेंगे। अब हमने प्लेट में ये सारे कोफ्ते तल के निकाल लिए हैं। इधर पैन में हम फिर से थोड़ा सा ऑयल चढ़ाएंगे, करीब 1 टेबल स्पून, और इसको गर्म होने देंगे। जब ये ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे।
थोड़ा सा जीरा, फिर इसमें हम ये जो हमने पेस्ट बनाया था ये डाल रहे हैं। तो डालने के बाद हम इसको अच्छे से चला लेंगे। फ्लेम को मीडियम रखिएगा अभी और इसमें हम और सारे मसाले भी ऐड कर देंगे। हल्दी, क्वांटिटी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा नीचे। लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, ये सारी चीजें डाल के हम इसको कुक होने देंगे। हमारे ये जो टोमेटो का पेस्ट है और मसाला जो है वो अच्छे से भून जाना चाहिए। देखिए ये जो मसाला था कितने अच्छे से इसमें तेल छोड़ दिया है। अच्छा, कुछ लोग इसमें जो है बेसन भी डाल देते हैं ग्रेवी में। मुझे लगता है कि बेसन नहीं डालना चाहिए क्योंकि बेसन से इसको ये ग्रेवी बहुत गाढ़ी भी हो जाती है और हमने ऑलरेडी कोफ्ते में बेसन इस्तेमाल किया है तो ग्रेवी में बेसन इस्तेमाल करने से उतना अच्छा टेस्ट नहीं बनेगा सब्जी का। अब ये टोमेटो के बाद, टोमेटो प्यूरी के बाद अब हम यहाँ पे ये दही डाल दें। दही को अच्छे से फेंट के डालिएगा और दही डालने के बाद बराबर चलाते रहना है, नहीं तो उसमें फुटकी फुटकी बन जाती है, दही फट जाता है। तो इसको चलाते रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलाते रहेंगे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। दही डालने के बाद हमने 2-3 मिनट इसको कुक कर लिया। अब इसके बाद हम इसमें ये मिल्क क्रीम डालने वाले हैं। अगर आप चाहें तो घर की निकली हुई मलाई भी अच्छे से फेंट के डाल सकते हैं इसमें। तो सारी चीज़ों को हम अच्छे से कुक होने देंगे और अब हम इसमें सॉल्ट भी डाल देंगे। ग्रेवी के हिसाब से ही सॉल्ट डालना है क्योंकि कोफ्ते में ऑलरेडी सॉल्ट पड़ा हुआ है। ये देखिए अब ये ग्रेवी करीब 3-4 मिनट कुक हो चुकी है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ग्रेवी आप पहले से बना लीजिए और ग्रेवी को कुक करके आप रख दीजिए और जब आपको सर्व करना है तभी आप कोफ्ते डालिए, क्योंकि अगर आप कोफ्ते पहले से डाल देते हैं तो कोफ्ते ज़्यादा गल जाते हैं और फिर वो टूटे टूटे से हो जाते हैं। देखिए ग्रेवी हमारी कुक हो चुकी है। इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। फ्लेम को बंद कर दें। तो अब हम इनको सर्व करने जा रहे हैं। इसमें हम कोफ्ते डाल देंगे। ग्रेवी गरम, ग्रेवी में ही कोफ्ते डालिएगा जिससे अंदर तक ग्रेवी चली जाएगी, इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी अच्छे से। अब ये हमारे मिक्स वेज
कोफ्ते तैयार हो चुके हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं और देखने में इनका कलर भी कितना अच्छा लग रहा है। तो आप भी इसे घर पे बनाइए, खाइए और एंजॉय करिए। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।